हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? एक बार आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रैक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जितने भी लेखपाल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर निकल के आई है। जैसे कि आपको पता है, आपका लेखपाल की जो 8885 वैकेंसी थी उसका एग्ज़ाम हुआ था लगभग 2-2.5 महीने पहले, ठीक है ना। तो दोस्तों, उसके लिए मैंने जो आपको ऐसा लिखा है स्क्रीन पर कि लेखपाल की कट ऑफ जारी, 70 नंबर पर सिलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, आपका जो एक नोटिफिकेशन आ गया है जिसमें सरासर सीधी सीधी दो बात कही गई है। तो दोस्तों, बिना कुछ देरी करते हुए मैं उस नोटिफिकेशन के बारे में बात बताता हूँ। उसमें सिर्फ और सिर्फ यही कहा गया है, पहली बात तो जितने भी वो 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी थे UPSSC आयोग ने बताया था, उन्हें बाहर कर दिया गया है। और दूसरी बात क्लियरली ये कहा गया है कि अगले 24 से 48 घंटे में आपकी लेखपाली कट ऑफ जारी हो जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। जितने भी चीटर्स थे वो बाहर हो चुके हैं, और सबसे बड़ी बात 24 घंटे 48 घंटे में आपका लेखपाल का रिजल्ट जारी हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छी खुशखबरी की बात है। बाकी दोस्तों, जिसका भी सिलेक्शन होगा प्लीज़ अपना रिजल्ट जरूर बताना कि सर मेरा सिलेक्शन हुआ है या है ना। और जिसका नहीं हुआ वो भी अपना निराश होने की बात नहीं, वो अगली बारी मेहनत करें, किसी और वैकेंसी बतेरी वैकेंसी आएंगी सेंट्रल लेवल की और स्टेट लेवल की, अपनी मेहनत करें। बाकी मैं इतने कहना चाहूँगा, जो मैंने लिखा है कि 70 नंबर पर भी हुआ सिलेक्शन, जी हाँ दोस्तों, अगर वो 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी जो कि आयोग ने कहा है वो बाहर हो चुके हैं, तो वाकई में ही 70 नंबर पे भी होगा सिलेक्शन। मैं बताऊँ दोस्तों, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जनरल OBC की कट ऑफ जाएगी वो 75 से 80 के बीच जाएगी, और SC ST स्टूडेंट्स की 70 से 75। और जहाँ तक कि गर्ल्स की बात है, अगर उसमें किसी के 75+ भी हैं तो उनका तो 100% सिलेक्शन है ही, यहाँ तक कि 70+ भी हैं और वो OBC SC ST कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा 100%, ठीक है ना दोस्तों। बाकी इससे रिलेटेड कुछ भी अभी आपको पूछना हो, तो आपकी कुछ भी अगर इससे रिलेटेड आंसर क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भेज दिया कमेंट कर दिया करो, मैं जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। और अपना साइट पर लगातार नज़र बनाए रखिएगा। एक बात हो रही है, जल्दी से आपका रिजल्ट, ऐसा नहीं कि रिजल्ट आपका नहीं खुला तो एकदम से हैरान मत होना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है साइट पर बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है साइट, इसलिए एकदम से साइट नहीं खुल पाती, ठीक है ना। क्योंकि एकदम से रिजल्ट आएगा, सही बच्चे अप्लाई करेंगे तो इसलिए एकदम साइट नहीं खुल पाती, तो कोई थोड़ा टाइम लगेगा, तो कोई बात नहीं, अपना उससे वो नहीं होना। वैसे आप जब भी रिजल्ट है अगर आपको खुल गया तो सही है, अगर नहीं खुला तो आप रात में भी देख सकते हो, ठीक है। इस वीडियो पे इतना कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, जय हिंद।